हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जो यहाँ पे है ना, सुबह का टाइम है, सुबह के का करीब हुए हैं 6:30। और हम गए थे तीनों घूमने के लिए, मैं, इया और इया के पापा। तो अभी जो है, अभी सोया हुआ था, अभी को हम घर छोड़ के ऐसे ही चले गए। तो यहाँ पर जो है ना, पार्क में लगे हुए हैं झूले। तो इहा और इया के पापा जी झूल रहे हैं, क्योंकि इया ने कहा पापा जी मेरे साथ झूलो। तो दोनों झूल रहे हैं और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। और इया के पापा जो है, इया की ज़्यादा बात मानते हैं, तो दोनों में लग रहा था कि कौन ज़्यादा राउंड करेगा इसके। तो इनको चक्कर आने लगे और ये हट गए वहाँ से। तो फिर ये बच्चों को क्या है ना, इनको तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को होने लगता है। तो इसके बाद जो है, मैं और इया, हम दोनों का लगा। तो यहाँ पर जो है, इया की बार बार चप्पल निकल रही थी कि मम्मा आप तेज़ कर रहे हो, मैं धीरे कर रहा हूँ, रुको, आप धीरे धीरे करो। तो बस यहाँ पर जो है, आज मेरी तबीयत ठीक थी थोड़ी सी, तो इस वजह से हम चले गए घूमने। और घूमने तो हम अक्सर जाते हैं, कभी कोई दिन हो गया या लेट हो गए या आंखें नहीं खुली तो नहीं गए। वैसे मैं जाती हूँ हमेशा, चाहे 5 मिनट के लिए जाऊँ, लेकिन जाती ज़रूर हूँ, एक राउंड लगा के ही आ जाऊँ, ना एक्सरसाइज हो ना झूला हो। तो अब हम यहाँ पे पार्क से आ चुके थे, और पार्क से आने के बाद मैंने अपने जो है कपड़े, टी शर्ट चेंज की थी, लॉन्ग वाली उतार के शॉर्ट वाली डाल ली थी। और जो है, टाइम थोड़ा थोड़ा मिलता है तो उस हिसाब से आज मैंने ये वाली अलमारी खोल ली थी कि चलो आज इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, दिवाली है, करवा चौथ है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा दुकान की वजह से। तो ये आज मैंने ना, ये जो इनकी बुक्स वाला कॉलम है, ये वाला खाली किया है। और ये वाली बुक्स इतने टाइम से रखी हुई है ना मेरे पास, बहुत टाइम से। और ये वाली बुक्स जो हैं मेरे हस्बैंड की हैं, मेरा कुछ नहीं है बुक्स में इसमें। और ये इनकी 10th की, 12th की, BCom की, MCom की अभी तक भी रखी हुई हैं, बिल्कुल भी डालने नहीं देते हैं। और जब हमारी शादी हुई थी तो ये अपने घर से, मतलब घर से क्या, गांव से लेके आए थे, मेरठ से, मेरठ के हैं मेरे हस्बैंड। और जब हम गाज़ियाबाद शिफ्ट हुए थे शादी के बाद, तो ये बुक्स, ये अपनी सारी जितनी भी थी सब ले आए थे। और इतना समेट के रखते हैं ना इनको, मैं कितनी बार बोलती हूँ कि इनको मैं, मतलब रद्दी में डाल देती हूँ, फेंक देती हूँ या किसी को दे देती हूँ कि नहीं नहीं देनी। तो ये 10 साल से 11 साल से ये मेरे पास ही रखी हुई है, जब से हमारी शादी हुई है। शादी के तुरंत बाद जो इनका सामान था वो ये अपने आप ले आए थे। तो ये वाला, इसमें अपने ये जो बुक्स थी इनका भी एक अलग से बैग था। तो ये वाली जो बुक्स है ये हमेशा मेरे साथ ही हैं, जब से शादी हुई है। जब हम रेंट के मकान पे थे तब भी ये साथ में थी, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मतलब रेंट में होती है कि सामान इधर से उधर रखना है, इधर से उधर। तो ये तब भी मेरे साथ थी, और ये मैंने आज भी दोबारा से निकाल कर साफ़ किए। तो मैंने अब भी बोला कि इन्हें किसी को दे देते हैं, ऐसी रखी हुई हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, कभी कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ जाए तो देख लो, और ये इहावी के काम आएंगी। ऐसा तो नहीं है लेकिन ये इहावी के काम आए, पर फिर भी इन्होंने अपनी बुक्स को इतने अच्छे तरीके से समेट के रखा हुआ है कि मैं, मतलब जिस दिन भी नाम लूँ ना कि इन्हें देना है, तो कहेंगे नहीं रख दो ऐसी ही जहाँ पे रखी हुई है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर दुकान पर अपनी, और शाम का टाइम है। आज भी मैंने कोई अच्छा सा व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं मिला टाइम बिल्कुल भी। कल मैं गई थी मार्केट, कल भी गई थी, तो कल लेके आई थी दुपट्टे, ठीक है। और आज जो है, आज मैं दोबारा फिर से गई थी, तो आज लेके आई हूँ मैं बेड शीट और सोफ़े के कवर। तो ये इसलिए लेके आ रही हूँ ना, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम पे ना बिकते हैं, तो इसी वजह से। और वैसे भी मेरे तो शॉप का फर्स्ट टाइम है, अभी तक तो मैंने घर पर ही किया था, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। लेकिन इस बार रख के देखूँगी कि क्या निकलता है क्या नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क लेके देखती हूँ क्या होता है। तो आज मैं गई थी चांदनी चौक और ये लेके आई हूँ बेडशीट। तो इसी वजह से आज भी मेरा कोई व्लॉग जो घर के होते हैं वो नहीं बना, सिर्फ जो मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी वही मैंने, जो मैंने किया मैं आज दिन में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो ये है, ये देखिए, ये लेके आई हूँ मैं सोफ़े के कवर, और पूरे सेट वाले नहीं हैं,
ये जो है कटिंग करके किसी को 3 चाहिए पीस, 4 चाहिए, 6 चाहिए, तो वो वाला है। तो ये मीट मतलब पीस के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये है सोफे के कवर, एक कलर इसमें ब्लू है और एक इसमें ये कॉफ़ी वाला है, ये कॉफ़ी कलर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों के कलर। तो और इसमें से ये इस हिसाब से 50-50 पीस का सेट है, मतलब 50 ब्लू वाले पीस हैं और 50 ही ये चॉकलेटी वाले हैं। तो ये चॉकलेट वाली बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी दिवाली के टाइम पे निकालूंगी। कॉफ़ी वाले मुझे अच्छे लग रहे हैं, ब्लू भी अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह। और ये बेडशीट हैं। और यहाँ पर है ना, मैं दुकान पे हूँ तो बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर की भी, और अभी भी शोर मचा रहा था, तो उस आवाज़ को इग्नोर करना। और देखिए ये हैं बेडशीट, ये इस तरीके की, ये मैंने अभी खोल के दिखाई, एक दी भी है अभी, तो ये इस तरीके। और अब की बार सारा जो है कॉटन है, प्योर कॉटन है, ग्लेस कॉटन नहीं लेके आई क्योंकि ग्लेस कॉटन तो मैं लक्स की सेल करती हूँ, तो बस यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसी तरीके के थोड़े से पीस लेके आई हूँ, जिस हिसाब से मतलब बिग निकल जाए उस हिसाब से लेके आई हूँ। और ये हैं सोफे के कवर, अभी बचे पर्दे रहने लाने बाकी हैं, तो पर्दे भी लेके आऊँगी, अभी नहीं, अभी पैसे नहीं हैं, जब ये सब चीज़ें सेल हो जाएंगी या बीच में पैसे हो जाएंगे तो इस हिसाब से लेके आऊँगी। और ये सब मैं अपने पैसों का ख़रीद के लेके आई हूँ, कोई मुझे मीशो से नहीं मिला है, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी वीडियो देखती हूँ तो सब लोग उसमें कमेंट करते हैं कि तुम्हें मीशो से मिला होगा फ्री में इसलिए तुम ऐड कर रहे हो। तो जी नहीं, ना मेरा इतना यूट्यूब चैनल है, ना मुझे कोई ऐड मतलब मीशो ऐड करने के लिए दे रहा है, बट ये मेरी खुद अपना है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कि ये मेरी खुद अपनी दुकान का और अपने पैसों का है, मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ। जो मेरा है सामान मटेरियल वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आज ये लेके आई थी। तो बस ये है कि कल और आज दो दिन बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहे, कल भी ऐसी निकल गया, आज भी ऐसी निकल गया, अब नहीं जाऊँगी कहीं भी, इस वीक नहीं जाऊँगी, पैंट लेके आनी है तो पैंट ये लेके आएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब जाओ और जाके आने के बाद में थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, सामान लेके आई हूँ थोड़ा सा। तो चलो अब मैं कल बनाऊँगी व्लॉग जो मैं हमेशा बनाती हूँ, अब तो नहीं बना, अब आज इतना ही बनाया है। और देखिए ये वाली बेडशीट बहुत सुंदर लगी मुझे, मेहरून कलर है इसका, और ये इस पर कैटलॉग दिया हुआ है, प्योर कॉटन की है और साइज़ बहुत बड़ा है, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो वाला साइज़ है। तो बस यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, जो मैंने पूरे दिन किया वो आप लोगों को दिखाया है, कोई अलग से नहीं दिखाया, कोई ये शो नहीं किया कि हाँ मेरा ये है वो है ऐसा है, जो है जितनी क्वांटिटी है मैंने वो दिखाई है, मैं 10 पीस लेके आई हूँ 10 दिखाया है, 12 लेके आई तो 12 दिखाया, कोई मैंने एक्स्ट्रा अलग से नहीं दिखाया कि इसमें कुछ अलग से है या मेरा घर मैंने स्टॉक रखा हुआ, जी नहीं, जो मेरा है यही सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो बस आप कल की वीडियो में मिलती हूँ, कल का देखती हूँ क्या होता है, कल का दिन आएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो चलो भाई मिलती हूँ अब आपसे कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।